क्लास की, जिसमें सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम पारिवारिक व्यय है। टॉपिक है हमारा पारिवारिक व्यय। तो सबसे पहले लेते हैं बच्चों पारिवारिक व्यय का अर्थ। तो पारिवारिक व्यय में मतलब किसी निश्चित अवधि में संबंधित परिवार द्वारा अर्जित आय के उस अंश को पारिवारिक व्यय माना जा सकता है जो परिवार के सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए खर्च हुआ हो। यानी कि परिवार के मुख्य जो मुखिया होता है उसके द्वारा इनकम, जो अर्जित इनकम है, उसका कुछ अंश परिवार में खर्च हुआ, जो खर्च होता है उसको हम क्या कहते हैं, पारिवारिक व्यय कहते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो खर्च होता है उसे हम क्या कहते हैं, पारिवारिक व्यय। अगला पॉइंट है हमारा पारिवारिक व्यय के प्रकार। पारिवारिक व्यय के प्रकार में बच्चों इसको तीन भागों में विभाजन किया गया है, तीन वर्गों में बांटा गया है। नंबर एक, इसमें निश्चित व्यय, दूसरा अर्ध निश्चित व्यय, तीसरा आकस्मिक व्यय। इसमें सबसे पहले लेते हैं निश्चित व्यय। निश्चित व्यय में क्या होता है बच्चों, जैसे कि हमें कोई भी व्यय है जो हमें खर्च करना ही है, व्यय करना ही है, जैसे कि बच्चों की फीस, मकान का किराया, वस्त्रों पर व्यय, भोजन पर व्यय, तो ये क्या है, व्यय हमें करने ही करने हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, निश्चित व्यय। अब दूसरा पॉइंट है हमारा अर्ध निश्चित व्यय। यानी इसको हम अर्ध निश्चित व्यय को हम क्या करते हैं, हम इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि इसको घटाया बढ़ाया भी जा सकता है जरूरत पड़ने पर। तीसरा पॉइंट है हमारा आकस्मिक व्यय। आकस्मिक व्यय में बच्चों हमें जैसे कि अचानक आप खर्च आ जाने वाला जो व्यय है वो हम क्या किस में रखते हैं, आकस्मिक व्यय में रखते हैं। जैसे कि किसी सम्मान समारोह में जाना है, या सामाजिक समारोह में जाना है, या शादी में जाना है, या दुर्घटनाग्रस्त किसी परिवार से संबंधित किसी दुर्घटनाग्रस्त कोई घटना घट गई तो वहाँ हमें जाना पड़ सकता है, तो इसके लिए भी हमारा क्या होता है, व्यय खर्च व्यय होता है। यानी कि तो इसका मतलब तो ये भी हमारा क्या है, पारिवारिक व्यय को व्यय के अंदर आता है। अब है बच्चों पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक। तो पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि जो कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो हमारे पारिवारिक व्यय को प्रभावित कर देते हैं। जैसे कि नंबर एक पॉइंट है इसका परिवार की कुल आय, यानी हमारी कुल जो आय है, हमारी जो मुखिया के द्वारा आने वाली जो इनकम है हमारी कुल कितनी है और हमारा खर्चा कितना है। अगर हम उसके खर्चे के अकॉर्डिंग, अगर हम आय के अकॉर्डिंग अगर हम खर्च करते हैं तो क्या होता है, हमारा बैलेंस बना रहता है, हमारा बजट नहीं बिगड़ता। लेकिन अगर आय से हम व्यय अधिक करेंगे तो इस कंडीशन में हमारा व्यय गड़बड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी परिवार की कुल आय क्या करती है, प्रभावित करती है किसको, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है बच्चों हमारा रहन सहन का स्तर। रहन सहन के स्तर में बच्चों जैसे कि हम अपने रहन सहन के स्तर को उच्च बनाना चाहते हैं, यानी कि उन्नत करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो अतिरिक्त व्यय है वो लगेगा, और जब अतिरिक्त व्यय लगेगा उसके लिए तो हमारा क्या होगा, पारिवारिक व्यय प्रभावित होगा। अच्छा, अगला पॉइंट है हमारा परिवार का स्वरूप। अब परिवार का स्वरूप भी हमारे पारिवारिक व्यय को प्रभावित करता है। जैसे कि पहले मतलब संयुक्त परिवार में रहेंगे तो क्या होगा कि बिजली का खर्च, भोजन का खर्च, ईंधन का खर्च, कपड़े पर खर्च, ये सारे खर्च एक जगह पे मतलब व्यय होगा। लेकिन अगर इसका डिवाइडेशन कर देते हैं, अलग अलग इस परिवार को बांट देते हैं, तो इन सब का खर्चा अलग अलग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा परिवार का स्वरूप भी हमारे पारिवारिक व्यय को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट आता है बच्चों आवासीय क्षेत्र। आवासीय क्षेत्र में बच्चों नगरीय क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र हमारा क्या होता है, कम व्यय होता है, यानी कि खर्च कम होता है वहाँ
इसलिए क्योंकि नगरीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में क्या होता है, भौतिक साधन जो अवसर होते हैं, भौतिक साधन अवसर होते हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और इस कंडीशन में हमारा पारिवारिक व्यय प्रभावित होता है। अगला पॉइंट है हमारा बच्चों पर व्यय। बच्चों पर व्यय, बच्चों जैसे कि बच्चों की जैसे कि बच्चों किसी परिवार में बच्चे कम हैं तो कम व्यय होगा, अगर ज़्यादा हैं, ज़्यादा बच्चे हैं तो अधिक व्यय होगा, और बच्चों की शिक्षा पर व्यय होता है, और उनके प्रशिक्षण पर, रोजगार की खोज में, उनकी शादी और इनके मतलब अतिरिक्त इसमें व्यय होता है। तो इस कंडीशन में भी हमारा जो बच्चों पर व्यय है हमारे पारिवारिक व्यय को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है बच्चों हमारा सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण। सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण, जैसे कि हम बच्चों सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, तो समाज से संबंधित जितनी भी हमारी गतिविधियाँ होती हैं, धार्मिकता से संबंधित जितने भी समारोह होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो हम उसमें भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें व्यय भी करते हैं। तो इस प्रकार से भी बच्चों हमारा सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण भी हमारे पारिवारिक व्यय को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है हमारा बच्चों गृहिणी की दक्षता। गृहिणी की दक्षता में बच्चों पारिवारिक बजट को नियंत्रित करने में परिवार की गृहिणी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर गृहिणी हमारी सूझबूझ के साथ कार्य दक्षता और मितव्ययता की प्रवृत्ति के साथ योजना के साथ कार्यक्रम प्लानिंग करती है, कार्यक्रम बनाती है, तो हमारे निश्चित रूप से हमारी व्यय नहीं गड़बड़ाएगा, हमारे पारिवारिक व्यय नहीं, जो बजट है हमारा नहीं गड़बड़ाएगा। और यदि गृहिणी अकुशल और अदूरदर्शी हो तो निश्चित ही अपने अनावश्यक व्यय तथा अपव्यय होने की निरंतर आशंका बनी रहती है। तो बच्चों आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, आज हमने मतलब ये होम साइंस में सेकंड चैप्टर जिसका नाम है, जिसमें पॉइंट हमने आज पढ़ाया, अध्ययन किया पारिवारिक व्यय और उसके प्रकार और उसके उनको प्रभावित करने वाले कारण। बच्चों कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।